उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र खबर है। उद्धव ने सशर्त अनिल देसाई का नाम रखा है। उद्धव ठाकरे ने सशर्त अनिल देसाई का नाम रखा है मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए। साहिल जोशी हमारे साथ है। साहिल, पूरी खबर बताएं। देखिए, अमित शाह ने फोन करके परसों पूछा गया था उद्धव ठाकरे से कि शिवसेना की तरफ से कौन नॉमिनी होगा, तो उसपे आखिरकार अब जाकर फैसला लिया गया है और कहा गया कि अनिल देसाई शिवसेना की तरफ से नॉमिनी होंगे और शिवसेना की तरफ से शपथ ग्रहण कल करेंगे। लेकिन एक शर्त हमेशा की तरह एक रखी गई है कि महाराष्ट्र के बारे में जो भी फैसला है वो शाम तक बता दिया जाए, वरना अनिल देसाई शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि कंडीशनल नाम देने की बात है। ये महाराष्ट्र और दिल्ली में जो एक्सपांशन में जो हिस्सा लेना है वो एक साथ हो, ये उद्धव ठाकरे चाहते हैं और इसके वजह से साफ कह दिया गया है उनके तरफ से कि वो बता दे पहले कि महाराष्ट्र का क्या फैसला होगा, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर मामला अभी भी फंसा हुआ है। बीजेपी की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर हो या कौन से पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे, कितने मंत्री लिए जाएंगे, वो कमिटमेंट पहले शिवसेना लेना चाहती है और उसके बाद ही दिल्ली के मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहती है। नहीं, लेकिन जो आप बात बता रहे हैं उसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि अभी तक जो नाम सुरेश प्रभु का आ रहा था, यहाँ पर अनिल देसाई का नाम लाना इसका मतलब साफ है कि जो केंद्र की चॉइस है और जो इनकी चॉइसेस में फर्क है। बिल्कुल फर्क है। और सुरेश प्रभु का नाम नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं और शिवसेना चाहती है। अगर सुरेश प्रभु को वो इंडक्ट करना भी चाहते हैं तो वो शिवसेना के कोटे से ना किया जाए, सुरेश प्रभु को वो अपने कोटे से कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ना महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव है, क्योंकि 6 महीने में अगर उनको किसी सदन का सभासद बनना है तो महाराष्ट्र से तो वो जीत कर जा नहीं सकते। तो आखिरकार उनको बीजेपी के कोटे से जाना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल सुरेश प्रभु किसी भी सदन के मेंबर नहीं है। तो ऐसे में शिवसेना का कहना है कि अगर सुरेश प्रभु को आप इंडक्ट करना चाहते हैं तो वो आप अपने कोटे से करिए, शिवसेना के कोटे से ना करें। इसीलिए शिवसेना के कोटे से अनिल देसाई का नाम दिया गया है।